वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा जो सेकंड वीडियो है वो है हजरत फातिमा एंड हजरत अली की मैरिज का इंसिडेंस है, उसमें मेंशन किया गया। बिकॉज जो इससे पहले वाली वीडियो मैंने जो बनाया है जिसमें हजरत फातिमा का लास्ट डे मीन्स द डे ऑफ हर डेथ उसके बारे में मेंशन किया गया था कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी घर की और हाउ यू नो द कन्वर्सेशन शी हैड विद हर हस्बैंड। तो अब भी क्या करेंगे हम लोग, इस वीडियो को देखते हैं और इसमें हमें पता चलेगा कि उनकी जो मैरिज हुई थी तो उस टाइम का क्या सिचुएशन था, कैसे हुआ था। हो सकता है इस वीडियो में मेंशन किया गया हो कि जब रिश्ता भी आया था, पता नहीं क्या एग्जैक्टली मेंशन है, तो देखते हैं। और प्लीज़ मुझे YouTube के साथ साथ Instagram पे भी फॉलो कर लो, यहाँ पर तो विद ऑल योर लव एंड सपोर्ट आई हैव नाउ 2000 प्लस सब्सक्राइबर। तो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो सो दैट वहाँ पे भी मेरे थोड़े से फॉलोअर्स बढ़ जाएं, बिकॉज वहाँ पे अभी मेरे आई हैव ओनली आई गेस 475 फॉलोअर्स आई हैव ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। तो उस पर भी फॉलो करना मत भूलो, ऐसा नहीं कि बस गए देखा। उस पर मोस्टली क्या है, त्रिक्षा की वीडियोज ज़्यादा है बिकॉज उसके शी हैज़ नथिंग टू डू अदर देन हर होमवर्क एंड टू अटेंड दी ऑनलाइन क्लासेज, बट मेरे पास आई हैव मेनी थिंग्स टू मैनेज, फॉर एग्जाम्पल माई हाउस होल्ड थिंग्स, त्रिक्षा की स्टडीज, आई हैव टू टेक केयर, लंच, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग आई नीड टू मैनेज। और पैंडमिक के चक्कर में तो आई कॉन्ट हैव द मी ऑल्सो। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो और आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें पता चलेगा कि उनकी मैरिज कैसे हुई थी या क्या सिचुएशन था, क्या माहौल था उस टाइम का। ये है पैगाम ए कुरान एपिसोड 19 सीजन 3 बाय मौलाना तारिक जमील साहब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अहम वाक़ है हज़रत फ़ातिमा से शादी का। हज़रत फ़ातिमा की उम्र 15 साल थी, कहीं 18 साल थी, और आपकी उम्र 21 साल थी, वो तकरीबन इत्तेफाक है इस पर। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत फ़ातिमा का रिश्ता मांगने आए तो आपने माजरत कर दी, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मांगने आए आपने माजरत कर दी। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली से फरमाया कि तुम जाकर बात करो, तुम्हारी बात हो जाएगी। कहने लगे मेरे पास तो अपना घर भी नहीं, मैं तो बिल्कुल फ़कीर हूँ, क्या अल्लाह के नबी मुझे बेटी दे देंगे? उदरमान बिन औफ कहने लगे बिल्कुल दे देंगे। तो हज़रत अली तशरीफ़ लाए मस्जिद में, अल्लाह के नबी के सामने आके बैठ गए। अब पहले मैं एक हदीस सुनाता हूँ। अपने फरमाया मा तज़व्वजतु वमा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस्समा नज़ला बिही जिब्रील। कि देखो लोगो, मैंने जहाँ शादी की, जहाँ मैंने अपनी बेटियों की शादी की, तो आसमान से जिब्रील वही लेकर आए और अल्लाह का हुक्म सुनाया कि यहाँ अपनी बेटी का निकाह कर दो। तो अब आसमान से जिब्रील आके पैगाम दे चुके हैं कि फ़ातिमा अली के लिए है या रसूल अल्लाह। लेकिन मेरे नबी ने क्या किया, ये एक सबक है जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ, अल्लाह करे सब तक पहुँच जाए मेरी बात। तो आपने हज़रत अली से पूछा किस लिए आए हो, तो वो शर्म की वजह से बात ना कर सके, खामोश हो गए। तो आपको तो अंदर की बात का इल्म था, तो आपने फरमाया क्या फ़ातिमा का रिश्ता मांगने आए हो? जी हाँ। कहने लगे अच्छा इंशाअल्लाह। ये क्या कर चले गए, हाँ नहीं की, हाँ नहीं की, इंशाअल्लाह। हाँ क्यों नहीं की, ऊपर तो हाँ हो चुकी थी, जिब्रील पहले आके ख़बर दे चुका है। हाँ क्यों नहीं की मेरे भाई बहनों, हमें सबक सिखाने के लिए, फ़ातिमा जैसी बेटी हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे वालिद हों, अली जैसा दामाद बनने वाला हो, खामिद फ़ातिमा का बनने वाला हो, तो कोई कहीं गुंजाइश है इनकार के? लेकिन मेरे नबी की नज़र आने वाले ज़मानों पर थी। आपने अपनी बेटी फ़ातिमा को बुलाया कि मेरी बेटी, मैं अली से तेरा निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हें मंजूर है? तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुकूत फरमाया और
خاموش ہو گئیں, تو ان کی خاموشی کو آپ نے سمجھا کہ شاید کوئی اندر میں تردد ہے, تو آپ نے کہا بیٹی میں تیری شادی اس سے کر رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, جو علم میں سب سے زیادہ بھاری ہے اور اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ ہے. تو حضرت فاطمہ کی خاموشی ہاں تھی, پھر آپ باہر آئے اور آپ نے حضرت علی سے کہا لوگوں کو جمع کرو, پھر سارے لوگ جمع ہوئے اور آپ نے کہا جبریل نے مجھے اللہ کا پیغام سنایا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں. پھر آپ نے وہاں نکاح پڑھایا اور 400 درہم پر آپ نے شادی مہر 400 درہم مہر پر آپ کا نکاح ہوا. اور حضرت علی سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا, تمہیں قبول ہے؟ تو انہوں نے زور سے کہا قبول ہے اور ساتھ ہی سجدے میں گر گئے اور زور سے دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللاتی انعمت علیہ والا والدیہ. تو آپ میرے نبی نے کہا آمین. اس کے بعد آپ نے سارے مہمانوں کو کھجور کھلائی اور شہد کا شربت پلایا, اس طرح تواضع کی, اس طرح مہمان نوازی کی. تو میں اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میرے بھائی بہنوں, اولاد ہمارا سرمایہ ہے, ہم ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں, لیکن جب شادی کا وقت آتا ہے تو ہم نہ بیٹے سے پوچھتے ہیں نہ بیٹی سے پوچھتے ہیں, اپنی مرضی سے طے کر دیتے ہیں. تو اس میں کئی قواہتیں پیدا ہوتی ہیں, باپ محمد مصطفیٰ ہیں, بیٹی فاطمہ ہیں, شوہر بننے والے علی ہیں اور جبریل آ کر ہاں کر پہلے کر چکے ہیں, اور آپ اپنی بچی سے پوچھتے ہیں میری بیٹی میں تیرا نکاح علی سے کر لوں. تو یہ ایک سبق تھا کہ بچے اور بچی سے پوچھو, بیٹی سے ماں باپ پوچھیں ہم یہاں تیرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں, تجھے منظور ہے؟ اگر وہ کہے نہیں ابا نہیں اماں, تو اللہ کی قسم یہ اس کا حق ہے, اس پر سختی نہ کرو, زیادتی نہ کرو. اگر لڑکے کے ماں باپ پوچھیں کہ تیری یہاں شادی کر دیں, وہ کہے نہیں مجھے پسند نہیں ہے, تو یہ بچہ آپ کا نافرمان نہیں ہے, اس نے اپنا شرعی حق استعمال کیا ہے اور اس کو یہ حق استعمال کرنے کی اجازت. چونکہ ایجاب قبول لڑکا لڑکی کرتے ہیں, لڑکی کے والدین یا لڑکے کے والدین نہیں کرتے, ایجاب و قبول تو لڑکی اور لڑکا کرتے ہیں. لیکن ہماری اپنی معاشرت ایسی بن گئی ہے کہ بیٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں, بچوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. اب کچھ تعلیم یافتہ طبقہ آ گیا ہے تو وہ اور ذرا حدود سے آگے چلا گیا ہے کہ وہ کورٹ میرج کرنے پر چلے جاتے ہیں. میرے بچوں یہ بھی غلط. ابھی چند دن پہلے دو بچہ بچی میرے پاس آئے, ڈاکٹر تھے, کہ لڑکی بچی سے میں نے پوچھا کہ آپ کے والدین راضی ہیں؟ لڑکے کے والدین تو راضی تھے, تو اس بچی نے کہا جی نہیں میرے ماں باپ راضی نہیں ہیں. میں نے کہا بیٹا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا اور 2 سال اپنی چھاتی کا دودھ پلایا اور تیرا باپ صبح سے شام تک دھکے کھا کے تمہارے لیے روٹی لایا, ان کو ناراض نہ کرنا. وہ راضی ہو جائیں بے شک شادی کرو, اگر وہ ناراض ہیں تو کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھانا. چونکہ میرے سامنے تو بہت واقعات ہیں کہ کورٹ میرج ہوتی ہے, عشق اور ہوتا ہے, شادی اور ہوتی ہے, شادی کے بعد جب مزاج ٹکراتے ہیں تو پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو میں ایک سائیڈ میں والدین کی عرض کر رہا ہوں کہ بچے کی رائے لیں, بچی کی رائے لیں, اگر وہ نہ کر دے تو پھر اس پر دباؤ نہ ڈالیں. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہیں کریں تو سمجھائیں, پیار محبت سے سمجھائیں, سمجھ گئی بہت اچھی بات, پھر بھی انکار کرے کہ میں آپ کو اللہ کے نبی کا واسطہ دیتا ہوں, ان کی بیٹی فاطمہ کا واسطہ دیتا ہوں, ان کے داماد علی کا واسطہ دیتا ہوں. جن پر یہ واقعہ ہوا
आपने कहा बेटी फातिमा अली का ऐसा तेरा निकाह करवा, जबकि ऊपर से जबरील अल्लाह का पैगाम भी लेकर आए हुए हैं। मैं चूँकि मेरी असल तो देहात है, हमारे देहातों में ये जुल्म बे इंतहा है, बे इंतहा है। नहीं देखते कि जोड़ है या नहीं है, आपस में बनने के चांसेस हैं या नहीं हैं, वो बस ठोक देते हैं और सारी ज़िंदगी। फिर वो आगे तलाक बड़ा मसला बन जाता है, तो वो लड़का भी मुसीबत में और लड़की भी मुसीबत में, कि बेचारी तलाक याफ्ता को तो कोई पूछता ही नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें सबसे बड़ा सदका बताऊं, तो सहाबा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह क्या है, तो फरमाया अल इब्नतुल मर्दूदा, वो बच्ची जिसको तलाक हो गई और वो लौट के अपने माँ बाप के घर आ गई, उस पे ख़र्च करना सबसे बड़ा सदका है, उस पे ख़र्च करना सबसे बड़ा सदका है। तो फिर हमारे यहाँ तलाक भी मुश्किल है, तलाक के बाद शादी होना बड़ा मुश्किल है, पहले से थोड़ा ये राय ले ली जाए। तो इसमें मेरे नबी ने हमें करके दिखाया, आपने राय ली और फिर आपने निकाह पढ़ाया। और बच्चों से ये कहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते कोर्ट मैरिज तक मत जाओ, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के परवान चढ़ाया, जिस बाप ने तुम्हारे लिए अपनी हड्डियों का गुदा भी निकाल के रख दिया, तुम उनको बिल्कुल ही एक साइड पे करके कहो हमने कोर्ट मैरिज करनी है, तो ठीक है शरण हो जाएगी, लेकिन उसमें बरकत कभी नहीं आएगी, उसमें मोहब्बतें कभी नहीं पैदा होंगी। तो मेरे नबी ने ये सारा काम करके हमें अमलन दिखाया जिब्रील के आने के बाद भी। फिर अपने बड़े एहतमाम से शादी की, ये नहीं कि बस मस्जिद में निकाह पढ़ा के अली के हाथ में दे दिया हो। अपने चंद दिन पहले मुझे रवायत मिली कि हज़रत फातिमा के दो खाने हुए, एक वलीमे का एक या इस मौके पर निकाह के मौके पर या रुख्सती के मौके पर। आपने ख़ुद एक दुम्बा ज़बा करके उसका खाना बनाया, उसका स्वीट डिश एक बनाई और सबको खिलाई। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर अंदर गए और हज़रत फ़ातिमा का हाथ पकड़ के अली के हाथ में दिया, यूँ का अली तुम्हें नबी की बेटी मुबारक, सुभान अली तुम्हें नबी की बेटी मुबारक। फिर आपने फरमाया मेरी बेटी मुझे जो सबसे ज़्यादा महबूब था और सबसे ज़्यादा पसंद था, मैंने उसके हाथ में तेरा हाथ दिया है। फिर शादी के बाद आपने हज़रत अली से फरमाया वलीमा करो, कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं। साद बिन अबी वक्कास ने कहा जी मेरे पास एक छतरा खड़ा है, मैं वो ज़बह करता हूँ। वो छतरा कोरमा बनाया गया, उसमें छुआरे डाले गए, ताज़ा रोटी जौ की बनाई गई, अंगूर रखे गए। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत फातिमा जैसा वलीमा हमने मदीने में कभी नहीं खाया, और सबको खिलाया, जितने सबको इजाज़त थी आओ और खाओ। वो नबी के हाथ की बरकत थी कि उस मदीने वाले खा पी के चले भी गए और देग वैसे ही भरी पड़ी थी। तो इसमें एक सबक था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा तफसील से बयान किया कि हमारी शादियों में बहुत आगे पीछे हो रहा है। देखो बच्चों हमारा कल्चर गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड नहीं है। अल्लाह के वास्ते अपनी इज़्ज़त को बचाओ, इससे बेहतर किसी मर्द औरत की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह के वास्ते अपनी इज़्ज़त तो गैरत को बचाओ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये कल्चर, मैं यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका कई दफ़ा गया हूँ और सारी दुनिया 6 बर्र-ए-आज़म फिरा हूँ। इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर ने सारे ख़ानदानी सिस्टम को तोड़ के रख दिया है और सारा ख़ानदानी निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया है। ये भी नहीं करना है, शादी करनी है, ज़िना नहीं करना है।
फहाशी नहीं करनी है। और शादी के बाद बच्ची अगर ये कहे कि मैंने अलग रहना है आपके माँ बाप से, और माँ बाप साहिब हैसियत हों तो उनके ज़िम्मे है उन दोनों को अलग ठहराएं। दो ज़िंदगियां शुरू होने वाली हैं, जब उसके अंदर सास आ जाती है, ससुर आ जाता है, देवर आ जाता है, भाभी आ जाती है, नंद आ जाती है, तो एक बड़ा अजीब सा माहौल बन जाता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा है अगर उसमें एक दूसरे से मोहब्बत हो और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल हो। अगर ये एक दूसरे की गलतियां पकड़ने का काम हो जो कि हो रहा है, तो फिर ये बड़ी मुसीबत है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम। अल्लाह ने लड़की को ये हक़ दिया है कि अपने खामिन से कहे कि मुझे अलग कर ले कर लो। अगर वो इस काबिल नहीं है तो फिर उसी घर में कम अज़ कम वो उसको एक कमरा, एक टॉयलेट और एक किचन अलग ज़रूर दे, एक पोर्शन। अगर इसकी भी हिम्मत ना हो तो मैं फिर कहा करता हूँ कि फिर अल्लाह के वास्ते किसी की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद ना करो कि उसके लिए रहने के लिए कमरा ही ना हो। तो शादी के उनवान पर ये बदउनवानियाँ हम में होती हैं। एहतमाम भी है, अल्लाह के नबी ने दो वली में करवाए, तो ऐसे शादी करना कि किसी को पता ही ना हो ये भी ठीक नहीं है। हमारे बाज़ दीनदार लोग इसमें बहुत सख्ती करते हैं, बाज़ अपनी बेटियों को बिठा के गाड़ी में और जाके ससुराल के घर छोड़ के आते हैं। ये सारी बातें गैर फितरी हैं। अपनी बेटी को इज़्ज़त से रवाना करो, ये असल उस बच्ची का हक है। और अगर किसी के पास ये गुंजाइश नहीं है तो जब तक वो इसका इंतज़ाम ना कर ले वो शादी ना करे, वरना घर में खिचड़ी पक जाती है। बहरहाल मोहब्बत से घर चलते हैं। हज़रत फ़ातिमा की शादी और इसलिए सुना दी कि इसमें ये एक सबक था जो मुझे आपके सामने पेश करना था, कह भी रहा हूँ, कहता भी रहता हूँ। और बहुत शुक्र है अल्लाह का, लोगों ने इस बात को लिया है। बाज़ों ने इसका उलट भी किया, मुझे गालियों भरा ख़त भेजा है कि तू तो बड़ा ज़िम्मेदार है, मालदार है, तेरे तो नौकर चाकर हैं, हमारे घर में तो हमें रोटी देने वाला कोई नहीं, तो फिर बहू नहीं करेगी तो और कौन करेगा। तो अब ये इल्म की गलती है, मैं इसमें मेरा कसूर तो कोई नहीं है। मेरे नबी ने भी जब हज़रत अली का अलग घर बना फिर फातिमा को रवाना किया। तो अब हमारा ये आजमी हमारी मुआशरत है कि हम एक ही जगह सब रहने को कहते हैं इत्तेफाक होगा। ऐसे एक जगह रहने से इत्तेफाक नहीं होता, दिलों के जुड़ जाने से इत्तेफाक होता है, और ज़्यादा करीब होने से इत्तेफाक के टूटने का ख़तरा होता है। तो खैर, इसमें चूँकि सबक थे, इसमें अहतमाम करना, इसमें लोगों को लोगों में ऐलान करना, खाना खिलाना, सब जायज़ है। लेकिन जैसे हमारे मालदार करते हैं 50 लाख की सिर्फ एक शादी में, एक शादी हुई है उसमें 50 लाख सिर्फ आतिशबाजी पे ख़र्च कर दिया गया, तो ऐसे ज़ालिमाना तरीके पर अल्लाह का दिया हुआ माल को आग लगाना ये भी बड़ी नादानी की बात है। ओके, तो इस वीडियो का जो पर्पस है जो मुझे लगा, ऑल्दो की वेरी क्लियरली ही हैज़ मेंशन जब हज़रत फातिमा के लिए जो रिश्ता आया था, और जो नवी साहब हैं उनको पहले से ही पता था कि अली इज़ द राइट चॉइस और राइट पर्सन और द राइट लाइफ पार्टनर फॉर हज़रत फातिमा। बट फिर भी जब उनके पास रिश्ता आया उन्होंने इमिडिएटली ऐसे नहीं बोला कि हाँ 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 नहीं किया, उन्होंने बहुत कामली बोला इंशाल्लाह और कि मीन्स देखते हैं। उसके बाद उन्होंने जाके अपनी बेटी से पूछा कि मतलब आपके लिए ये रिश्ता आया है, अगर आपको यू नो इफ़ यू आर रेडी टू, उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि आपके लिए ये रिश्ता आया है ताकि बेटी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, या उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि मुझे अपनी बेटी से भी पूछना चाहिए कि वो राज़ी हैं मैरिज के लिए या नहीं, या इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं या नहीं। और देखो उस टाइम भी 7th सेंचुरी की बात है ये, जब ये सब चीज़ें हो रही थी, और आजकल हम लोग बहुत मॉडर्न ज़माने में रह रहे हैं, बट फिर भी आजकल क्या होता है स्पेशली द आउटस्कर्ट एरियाज या जो स्मॉल टाउन्स हैं उसमें ऐसा होता है, हो सकता है कि बड़ी सिटीज़ में भी होता हो, ऐसा होता ही होगा।
बिकॉज क्या होता है, वो जो एक होता है ना अपनी नकली रेपुटेशन के लिए, या क्योंकि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले भी एक न्यूज़ देखा था, वहाँ का था वो जयपुर साइड का कहीं का था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को बोला था कि इससे नहीं मैरिज करनी, द गर्ल शी हैड अफेयर विद बॉय, और उसके बाद में वो लोग घर से भाग जाते हैं, बट घर वाले पकड़ के लाइक बहुत ही गंदा सलूक करते हैं उस लड़की के साथ में, और इवन उस लड़की के ब्रदर और पापा और चाचा जी जो थे, चाचा जी तो कहना ही नहीं चाहिए, चाचा जो था उसका, तो उन्होंने बहुत ही गंदा सलूक किया था उस लड़की के साथ में। ये न्यूज़ काफ़ी मतलब वायरल भी हुआ था। तो मीन्स देखो, एक अपनी गलत इमेज के चक्कर में कि हाँ हम लोगों को ये दिखाना है कि देखो वी हैव गुड कंट्रोल ऑन अवर डॉटर, तो गुड कंट्रोल ऑन डॉटर का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी बेटी को उसका लाइफ पार्टनर चूज करने का ऑप्शन ना दो। ये तो पुराने टाइम पे भी अगर हम देखें, अगर हम बात करें रामायण की, उस टाइम पे भी देखो सीता का स्वयंवर हुआ था, शी गॉट द चांस टू सिलेक्ट हर लाइफ पार्टनर। प्लीज ये जो बैकग्राउंड नॉइस है थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, आज थोड़ी सी ज्यादा डिस्टर्बेंस है। तो शी ऑल्सो गॉट द चांस टू सिलेक्ट हर ओन लाइफ पार्टनर, और उसके बाद में क्या था, तो सेम वे हजरत नबी ने भी पूछा। तो आजकल के कोई भी रिलीजन हो तो उनको भी यही एडवाइस उन्होंने दिया है कि ऐसा मत सोचो कि अगर आपने कोई लड़का चूज कर लिया है अपनी लड़की के लिए तो उसको उसी से मैरिज करनी चाहिए। शी ऑल्सो हैज हर ओन लाइफ, उससे पूछो, अगर वो अग्री करती है कि हाँ मुझे इस लड़के से मैरिज करनी है, वेल एंड गुड। अगर नहीं करती तो ठीक है, लुक फॉर समवरी एल्स, क्योंकि दुनिया में ऐसा तो है नहीं एक इकलौता ही लड़का होगा वो जो आपने अपनी बेटी के लिए देखा होगा। तो देखो उससे पूछो, अगर वो बोलती है नहीं है, पहले उससे पूछो कि क्या रीज़न है, वाई शी इज़ नॉट यू नो रेडी टू हैव हिम एज हर लाइफ पार्टनर। अगर उसका जो भी वो अपना ओपिनियन आपके सामने रखती है, अगर आपको लगता है कि ठीक है, प्लीज़ कंसीडर इट। अगर लगता है कि नहीं है, ट्राई टू कन्विंस हर कि बेटा ये ही इज़ द राइट, ही वुड बी द राइट लाइफ पार्टनर फॉर यू। उसे समझाने की कोशिश करो, अगर नहीं होता तो लुक फॉर समबडी एल्स। और अगर उसका खुद का कोई बॉयफ्रेंड है या शी इज़ इन लव विद समबडी एल्स, गिव रिस्पेक्ट टू हर फीलिंग्स ऑल्सो। देखो हो सकता है वो लड़का भी अच्छी फैमिली से हो, अच्छा लड़का हो, वेल सेटल्ड हो, तो ऑब्जेक्शन ही क्या है अगर सब कुछ ठीक है, सेम कास्ट है, सब कुछ है। और आजकल तो इतना होता है कि मैंने देखा है कि इंटरकास्ट मैरिजेस आर ऑल्सो वेरी कॉमन, तो वो भी मीन्स थोड़ा सा ओपन तो होना पड़ेगा टाइम के साथ में, है ना। नहीं है वैसे भी बोलते ही हैं कि लड़की जिस रिलीजन में मैरिज करती है उसी रिलीजन की हो जाती है, अगर वो मुस्लिम में गई तो ऑब्वियसली वो वहीं की चीज़ें फॉलो करती है, मोस्टली तो ऐसा होता है। अगर कोई सरदारनी हिंदू में गई तो वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है, मोस्टली तो हिंदू भी गुरुद्वारे में आते हैं, तो कुछ ऐसा होता नहीं है। तो उसके बाद में ये चीज़ें उन्होंने कन्वे किया है, जैसे उन्होंने बताया था कि एक कपल था जो उनके पास में आया था, देवर वेल एजुकेटेड डॉक्टर थे वो दोनों, और उसमें भी लड़की की फैमिली राजी नहीं थी, तो मौलाना साहब ने उनको यही हिदायत दी कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, बिकॉज पेरेंट्स का साथ में चलना बहुत मैटर करता है। आप अभी बहुत यंग हो, यू हैव नो आइडिया व्हाट वुड बी द यू नो रिपोकेशन ऑफ द लव मैरिज, बिकॉज हो सकता है कि बाद में आप, अभी तो आप लोग एक दूसरे के लिए यू आर रेडी टू यू नो डू एनीथिंग, बट मैरिज के बाद में चीज़ें बदलती हैं, तो होता है कभी कभी क्लैशेस भी होते हैं हम लोगों के यू नो आपस में। लड़की बोलती है कि मुझे ये नहीं चाहिए या मैं ये नहीं करना चाहती, लड़का कहता है ये बला बला बला, सो चीज़ें होती हैं। मैरिज से पहले तो हर बंदा हर चीज़ मान लेता है, अगर लड़की ने बोला कि मुझे फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट दे दो, तो लड़का उसके लिए 10 चॉकलेट्स लेके आएगा। तो लेकिन मैरिज के बाद में थिंग्स आर टोटली चेंज्ड, तो उस टाइम पे थोड़ा सा तो समझना चाहिए। और अगर पेरेंट्स साथ में हैं तो दे आर द राइट पर्सन, जो अगर कभी कुछ क्लैशेस होते हैं आपस में तो वो लोग आप लोगों को समझाएंगे एंड आपकी फैमिली को अच्छे से वो सपोर्ट भी कर पाएंगे, और आप लोगों को समझा भी सकते हैं कि ये चीज़ नहीं है। आजकल क्या होता है, डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, 2-3 साल हुए नहीं, चलो जी डाइवोर्स कर लेते हैं, वो सब यही चीज़ें होती है कि लोग बहुत ही कहते हैं ना कि लूज टेम्पर्ड हैं, उन लोगों को किसी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करनी। तो इसीलिए हमेशा अपने बड़ों को अपने साथ लेकर चलो, ताकि अगर कुछ क्लेश होता भी है तो एटलीस्ट वो लोग आपको सही एडवाइस दे सकते हैं। तो ठीक है जी, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय।